प्राथमिक शिक्षा खंड बल द्वारा खंड स्तरीय मुफ्त पाठ्य पुस्तक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। बीपीओ बल कार्यालय के प्रांगण में आयोजित इस खंड स्तरीय कार्यक्रम में बल के विधायक इंद्र सिंह गांधी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना का लाभ गरीब लोगों तक पहुंचेगा। इससे पूर्व खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी नंदलाल ठाकुर ने मुख्य अतिथि को शॉल टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने सरकार के दिशा निर्देश पर शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश भर में चलाई जा रही मुफ्त पाठ्य पुस्तक वितरण योजना की जानकारी भी दी। खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी नंदलाल ठाकुर ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर गांव के हर बच्चे को गुणात्मक व सुगम शिक्षा प्रदान करना चाहती है, जिसके तहत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए चलाई गई है, जिसमे विशेषकर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क वर्दी, मिड डे मील और विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए। साथ ही बंगरोटू स्थित डे केयर सेंटर के अक्षम बच्चों द्वारा भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की गई। कार्यक्रम में बल शिक्षा खंड के लगभग 117 पाठशालाओं के बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तक बांटी गई। आज बल खंड में मुफ्त पाठ्य पुस्तक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पूरे खंड के 117 पाठशालाओं को सम्मिलित किया गया और इस समारोह के मुख्य अतिथि बल निर्वाचन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय इंद्र सिंह गांधी जी के कर कमलों द्वारा पाठ्य पुस्तकें बच्चों को बांटी गई। तो हिमाचल सरकार का एक अहम कदम, क्योंकि सरकारी स्कूलों में जो इनरोलमेंट घट रही है तो उसको बढ़ावा देने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास है, ताकि लोगों तक संदेशा जाए और जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं और उनको एक प्रेरणा स्रोत जो है, ये कदम है। तो इससे हमारे खंड के अंदर जो एनरोलमेंट भी बढ़ी है और आगे भी इस तरह के सरकार की जो प्रयास है, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें जो मुफ्त में दो बार जो बच्चों को स्कूली वर्दी दी जाती है, इसके साथ साथ दोपहर का भोजन और इससे अटकर के बहुत सारी छात्रवृत्तियां बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के माध्यम से दी जा रही है, ये सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है। इसके साथ साथ जो खेल के क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ करके आगे निकलते हैं राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, तो हिमाचल सरकार का एक बहुत अच्छा कदम, 5% ऐसे बच्चों को जो है सरकारी नौकरी जो दी जा रही है, तो ये भी बहुत अच्छा प्रयास सरकार का है। तो सरकारी स्कूलों के अंदर इनरोलमेंट और बढ़े तो सरकार इस तरह मतलब और इसमें प्रयास करे।